बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं ये थाल पोश डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये थाल पोश है, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं 2-3 भाग में इसको अपलोड करूँगी। तो आप लोग जाके पूरी वीडियो देखें। अभी मैं पार्ट 1 अपलोड कर रही हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सबसे पहले हम इस तरह से करके इस तरह गांठ लगा लेंगे। अब यहाँ हम चैन लेंगे 10 चैन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैन लेकर पहले वाला चैन को हम सेल स्टिच इस तरह से करके जोड़ देंगे। अब फिर यहाँ हम 4 चैन लेंगे, 2, 3, 4, और 2 बार लपेट कर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ 4 चैन और ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया है। फिर यहाँ हम 5 चैन लेंगे, 2, 3, 4, 5, फिर 2 बार लपेट के, और फिर से हम इस तरह से बनाएंगे, 2-2 करके निकालेंगे इस तरह से, फिर 2 बार लपेटेंगे और यहाँ फिर 2 करके 2-2 फंदा हम निकाल लेते हैं। ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया है। फिर 5 चैन लेंगे, 4, 5 चैन लेकर फिर 2 बार लपेट के। तो इसी तरह से हम 10 बार और बना लेंगे। तीन हो गया है, 9 बार और बना लेते हैं। तो हमने बना लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और यहाँ 2 चैन ले लिए हैं और 2 बार लपेट के हम 1, 2, 3, 4 चौथे वाले चैन में इस तरह से हम बना लेंगे। एक दो तीन, 3 चैन लेकर यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, 3, 4, 4 डबल क्रोशिया है, और ये 3 चैन मिला के 5 डबल क्रोशिया हो गया है। अब यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, 3, 4, 5। तो इसी तरह से हम पूरे राउंड में बना लेते हैं इस तरह से पूरा। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया है। 1, 2, 3 तीसरे वाले चैन में हम इसको जोड़ देंगे। फिर यहाँ 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3, और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये फंदा लेकर हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं,
दो, तीन, चार, ये तीन चैन, ये भी डबल क्रोशिया में आ गया, पांच डबल क्रोशिया हो गया है। एक दो तीन चैन लेंगे और फिर इसमें डबल क्रोशिया के ऊपर फिर हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। नीचे पांच डबल क्रोशिया था, उसके ऊपर भी हम पांच डबल क्रोशिया करेंगे, बीच में तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, और ये डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से बनना है, एक दो तीन, तीन वाले चैन में तीसरे चैन में हम जोड़ देते हैं, फिर एक दो तीन, इस तरह से डबल क्रोशिया। इस तरह से करके फिर पांचों फंदा एक साथ हम इस तरह से गिरा देंगे। फिर यहाँ हम चैन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ चैन के बाद फिर ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से, दो तीन चार पाँच, फिर एक साथ पांचों फंदा इस तरह से गिराएंगे, फिर चैन लेंगे, फिर से नौ चैन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ चैन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम बना लेते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ पूरी वीडियो देखें। पाँच छः सात आठ नौ, तो इसी तरह से हम बना लेते हैं। तो ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ हम चार चैन लिए हैं और दो बार लपेटेंगे, और यहाँ जो है यहाँ से जोड़ के, यहाँ से फंदा लेकर इस तरह से हम बनाएंगे। तो इसके बराबर में ये हो गया है। अब यहाँ हम तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, और तीन चैन और लेंगे, एक दो तीन, छः चैन, फिर इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये तीन चैन डबल क्रोशिया में है और फिर तीन चैन उसके बाद में डबल क्रोशिया, फिर चैन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ चैन लेकर
एक दो तीन चार, पांचवें वाले चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेंगे और फिर इसी में इसी फंदे में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ चैन, पांच वाले चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर तीन चैन। तो इसी तरह से हम बना लेते हैं इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया है और ये इस तरह से बना है। तो अब यहाँ हम एक दो तीसरे वाले चैन में इसको सेल स्टिच करके जोड़ देंगे, फिर चैन लेंगे एक दो तीन, और ये जो बीच वाला है इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, ये तीन वाला चैन जो था ये भी डबल क्रोशिया में आ गया, तीन डबल क्रोशिया हो गया है, एक दो तीन, तीन चैन लेकर फिर से डबल क्रोशिया इसी में इसी जगह से हम तीन डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे, इस तरह से, फिर एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन लेंगे और यहाँ फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो तीन डबल क्रोशिया बनाना है, तीन डबल क्रोशिया के बाद तीन चैन, तीन चैन फिर तीन डबल क्रोशिया, इसके बाद में छः चैन, एक दो तीन चार पाँच छः, तो इसी तरह से हम ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ हम एक दो तीसरे वाले चैन में सेल स्टिच जोड़ देंगे इस तरह, फिर एक दो तीन चैन लेंगे और इसी में फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी फंदे में, उसके बाद में फिर इसमें एक डबल क्रोशिया और यहाँ एक डबल क्रोशिया, इसमें हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये चैन वाला जो हिस्सा था इसमें तीन चैन, तीन डबल क्रोशिया, इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह डबल क्रोशिया हो गया, एक दो तीन चैन लेंगे और फिर इसमें इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, इसमें हम तीन करेंगे, तीन चैन था यहाँ तो तीन डबल क्रोशिया करेंगे, सात हो गए, सात डबल क्रोशिया, इसमें हम
दो डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से ये बनके तैयार हुआ है। आगे इसी तरह से हम बना लेते हैं। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ एक दो तीन तीसरे वाले चैन में सेल स्टिच करके जोड़ देंगे। फिर यहाँ तीन चैन लेंगे, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार डबल क्रोशिया बनाकर चारों फंदा साथ में हम इस तरह से गिरा देंगे। फिर यहाँ हम तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, और ये वाला जो फंदा है जहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाए थे उसी फंदे में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो तीन चार और एक ये पाँच, पाँच डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम तीन चैन लेंगे और इसी फंदे में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह का डबल क्रोशिया और ये पांचों फंदा एक साथ हम गिराएंगे। उसके बाद में हम अब यहाँ चैन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ चैन लेकर फिर हम यहाँ बनाएंगे जिस तरह से हम उसमें बनाए हैं उसी तरह से इसमें भी बना देंगे। दो डबल क्रोशिया, तीन चार हो गया, फिर ये पांचों फंदा साथ में गिराएंगे और तीन चैन लेकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जिस तरह से हम यहाँ बनाए हैं उसी तरह से हम इसमें भी बनाएंगे और पूरा आगे भी बना लेंगे एक राउंड। इस तरह से बना है। यहाँ चैन लेंगे, एक दो तीन, और दो बार लपेटेंगे, एक दो तीन। तीसरे वाले चैन में हम एक दो इस तरह से हम घटा देंगे और फिर यहाँ हम तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन और लेंगे, एक दो तीन। तो ये छः चैन हो गया है। अब हम यहाँ जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ हम पांच चैन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच चैन लेकर यहाँ ये वाला छोड़ के इसमें हम बनाएंगे, ये वाला छोड़ देंगे ये भी, और यहाँ जो फंदा के ऊपर है इस पर तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया हो गया, फिर एक साथ तीन फंदा है, तीनों को हम कटा देंगे, ये बीच वाला डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ इस तरह से ये बना देंगे। फिर हम पांच चैन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच चैन लेने के बाद फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक फिर तीन चैन लेंगे, दो तीन। फिर यहाँ इसी के बाजू में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर पांच चैन लेंगे, तीन चार पाँच,
और यहाँ जिस तरह से हम यहाँ बनाए हैं उसी तरह से यहाँ पर भी बना देंगे इस तरह, तीन फंदा एक साथ, फिर डबल क्रोशिया एक बीच में, एक साथ में। तो इसी तरह से हम बना लेते हैं, ये राउंड कंप्लीट करेंगे इस तरह।